एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, मुझसे शेयर कीजिएगा। इवनिंग का टाइम है और मैं जस्ट अभी किचन में ही थी और कितनी ज़्यादा पसीना आ गया मुझे, और किचन में काम कर रही थी क्योंकि मुझे आज करेले बनाने हैं। तो पापा जी लेकर के आए हुए थे, 2-3 दिन से करेले रखे हुए थे तो बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा कहीं वो पक ना जाए तो इससे अच्छा बना लेते हैं। तो आज मैंने उनको छील के रख दिया है, नमक वगैरह लगा के रख दिया है क्योंकि करेला बनने में ना टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने अभी छील करके रख दिया है। तो वो रखे हुए हैं अभी, और अभी डिनर बनने में तो टाइम है लेकिन मैंने अभी से तैयारी कर दी है, तो क्योंकि बनाते बनाते फिर टाइम तो वही हो जाएगा डिनर का। तो बस चलिए चलते हैं। और कुछ दालें वगैरह मुझे मिक्स करके रखनी है, मिक्स की दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी तो दालें मैंने निकाल के रख दी हैं, तो उनको मिक्स कर लेते हैं और बॉक्स में करके रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, तो दालें वगैरह कर लेती हैं चल के ये काम। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने करेले में ना नमक लगा करके और छील करके रख दिया है, तो ये अभी आधा एक घंटे तक रखे रहेंगे तो इनका कड़वापन चला जाएगा, नमक लगाने से कड़वापन चला जाता है। और यहाँ पे मैंने ना ये मैंगो भी थोड़ा सा कैरी है जो, तो इसको भी चॉप करके रख लिया है ऐसे बारीक बारीक मैनुअल चॉपर में इस तरीके से, और ऑनियन भी मैंने चॉप करके रख लिया है। तो सारी करेले की तो सारी तैयारी कर ली है मैंने करेले की, करेले बनाने के लिए। और दूध मैंने जस्ट अभी गर्म किया है, और चलिए अब दाल मिक्स की सारी दालें मिला लेती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे निकाल के रख लिए हैं, बस दाल मुझे मिक्स करनी है, तो एक मेजरमेंट के हिसाब से सारी दालें मिक्स करूँगी। तो चलिए ये भी काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पे दही जमा के रखा क्योंकि कल वाला दूध बच गया था, तो अब शाम को फिर से फ्रेश दूध आ जाएगा, तो दूध की इतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दूध अभी रखा भी है तो मैंने इतना दूध ये जमा दिया है, ये देखिए, ये मैंने दही जमाने के लिए इतना दूध जमा दिया है, तो ये जम जाएगा। तो छाछ बना के मैं स्टोर करके रख लेती हूँ बॉटल में, तो जब ज़रूरत होती है जैसे कढ़ी वगैरह बनानी हुई तो तुरंत निकालो बना लो तो अच्छा रहता है। तो चलिए अपना काम कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये थाली ले ली है और ये वाली कटोरी ली है, छोटी कटोरी, इसी से नाप नाप के मैं सारी दालें मिक्स करूंगी। तो इसी के तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे निकाल के रखे हैं, तो चलिए मिला लेते हैं। तो ये मैंने मसूर ली है, खड़ी मसूर है ये, तो और ये मसूर ही है, ये मसूर की दाल है, ये खड़ी मसूर थी, ये मसूर की दाल है, तो इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। इस बार मैं बना रही हूँ मिक्स करके सारी दालें, लेकिन मैं मंगा लेती हूँ, मिक्स दाल का पैकेट आता है एक, तो मैं उसको मंगा लेती हूँ। तो और यहाँ पे मैंने ये धुली हुई मूंग वाली दाल ली है, और ये चने की दाल। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने सारी दालें निकाल ली हैं, ये चने की दाल है, ये धुली हुई मूंग की दाल है, और ये खड़ी मसूर है, और ये अरहर की दाल है, ये उड़द की दाल है, ये धुली हुई उसकी मसूर की दाल है, मतलब दली हुई। तो बस इतनी ही दालें मैं मिक्स करके बनाती हूँ, और इस बार तो मैं मिक्स कर रही हूँ बट मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ, पैकेट आता है ऐसे मिक्स दाल का, तो वो ज़्यादा सही रहती है, उसमें राजमा वगैरह सब कुछ मिलके आता है, तो वो काफ़ी टेस्टी लगती है बनने में। बट मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से इन सारी दालों को मिला करके और इनको मिक्स कर लेती हूँ और रख देती हूँ इनको भर के, और इवनिंग में मैं मिक्स की दाल ही बनाने वाली हूँ, करेले के साथ में मिक्स की दाल हो जाएगी और कैरी की चटनी हो जाएगी, और सैलड वगैरह रोटी वगैरह जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। किचन के कुछ एक्स्ट्रा काम थे वो तो सारे हो गए हैं, अब है डिनर टाइम, तो डिनर बनाने की तैयारी करने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है, तो ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करेले अपने तल लेंगे। तो करेले मैंने वॉश कर लिए अच्छे से 2-3 पानी से, तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था तो करेले डाल देंगे, और एक साइड मैंने दाल भी भिगो के रख दी है अपनी मिक्स वाली जो मुझे आज बनानी है, तो वो भी भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो उसको भी साइड बाई साइड रख देती हूँ। और इस तरीके से साइड बाई साइड काम करते जाओ ना तो जल्दी हो जाता है, डिनर भी बन जाता है और पता भी नहीं
मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मैंने दाल रखने की रख दी है और यहाँ पे मेरे करेले भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस कुकर का ढक्कन बंद करके दाल एक साइड रख देंगे, धीरे धीरे पकती रहेगी दाल हमारी और तब तक यहाँ पे करेले बन करके रेडी हो जाएंगे। और भी जो काम होंगे तो साइड बाई साइड मैं करती जाऊँगी। तो यहाँ पर करेले तल गए थे तो मैंने उनको निकाल लिया, उसी कढ़ाई में मैंने ऑनियन और जो गार्लिक मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। वो जहाँ ब्राउन हो गया तो फिर मैंने जो कैरी मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। मसाला यहाँ पे जब तक भुनेगा तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो बस साइड बाय साइड इसी तरीके से मैं सारे काम करती जाती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है और यहाँ पे मैं मसाले अच्छे से भून ले रही हूँ। तो फ्रेंड मसाला भुनने के बाद में फिर मैं बस जहाँ मसाला ठंडा हो जाएगा तभी करेलों को भर के रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया है और बस गैस बंद कर दी है, करेले का मसाला ठंडा हो रहा है। यहाँ तब तक दाल चेक कर ली है तो दाल भी हमारी पक चुकी है तो इसको भी खाली कर लेंगे और बस तड़का लगाना होगा दाल में। तो थोड़ी देर में तड़का लगाएंगे, तब तक दाल थोड़ी ठंडी हो जाए तब तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे करेले ठंडे हो गए थे तो मैंने सोचा चलो उनमें भी मसाला पोर कर देती हूँ। तो सारे मसाले मैंने पोर करके रख दिए हैं और यहाँ पे जा रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए। तो पहले मैं चटनी बनाऊंगी कैरी की, तो यहाँ पे आगे चटनी बना लेती हूँ फिर इसके बाद मैं दाल फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी चटनी बन करके रेडी हो गई है। तो बस यही सिंपल सा डिनर होता है रात को हम लोगों का, तो बस यही था। और देखिए यहाँ पे चटनी भी बन के रेडी हो गई है, दाल भी मैंने फ्राई कर दी थी, बस चपाती जब खाएंगे तब सेक देंगे। और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे यहाँ पे तो मैंने सोचा चलो वो भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, टंकी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको वॉश करके रख देती हूँ, तो जब आटा आएगा गाँव से तो उसको फिल करने के लिए हो जाएगा। तो चलिए एक भी काम कर लेती हूँ फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे डिनर कराने के बाद में थोड़े से बर्तन थे तो वो भी वॉश कर दिए हैं और किचन और सिंक एरिया भी क्लीन कर दिया है। अब मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो फ्रेंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और मैं मॉपिंग कर रही हूँ, मतलब कि कमरे और किचन की तो मॉपिंग हो गई है, हॉल की रह गई थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद में फिर नहाने के लिए जाऊँगी। तो चलिए मॉपिंग कर लेती हूँ फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। पे घर का सारा काम हो गया है और घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके बाद में ये देखिए मैंने प्लांट अपने यहाँ पे उठा के रख दिए थे, कल शाम को ये रखे थे क्योंकि इसमें ना धूप पड़ने की वजह से ये दूसरा वाला एक जो प्लांट है ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सूख रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पर रख देती हूँ, छाया भी रहती है तो अच्छे से सही बने रहेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।